हे गाइस, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर ऐप पिनिंग फीचर को लेकर। ये फीचर जो है आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। बहुत किसी को इसके बारे में पता नहीं रहता है। ये आपको जो है एक एडिशनल जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप थर्ड पर्सन को किसी को जो है अपना फ़ोन यूज करने के लिए देते हैं, वो जो है ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे या कुछ आपका प्राइवेसी डाटा वगैरह जो है देख ना पाए, जो आपको जिस काम के लिए आपने उसको दिया है बस वही काम कर पाए, तो वो सब के लिए जो है यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऐप पिनिंग के रूप में जो है देखने को मिलता है। और ये फीचर लगभग लगभग सारे ही डिवाइस में देखने को मिलता है। तो आज इस वाले वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, ये फीचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये वाला फीचर जो है अनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको जो है सेटिंग निकाल लेना है, फोन का जो है यहाँ पर सेटिंग निकाल लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ से जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको नीचे में सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में ऐप पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये फीचर जो है ऑन हो जाएगा और नीचे वाला भी जो है यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये भी ऑन रहे। तो दोनों को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर ऐप पिनिंग फीचर जो है ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर डायलर निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है डायलर निकाला, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिसेंट बटन आपको जो है नीचे में देखने को मिलेगा, होम बटन के बगल में रिसेंट बटन। तो यहाँ पर इस वाले बटन पे यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आइकन दिखेगा डायलर का। इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पिन वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐप इस पिंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पर गोडिट कर देंगे, ये फर्स्ट टाइम में पूछेगा, बार बार नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर जो है ये डायलर आपका पिंट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हो गया पिंट करने से, अब यहाँ पर जो है आपका बैक बटन नहीं काम करेगा, ना ही यहाँ पर जो है होम बटन काम करेगा, ना ही यहाँ पर रिसेंट बटन काम करेगा। यानी कि ये जो है डायलर आपका लॉक हो चुका है। अब मान लीजिए आप जो है किसी थर्ड पार्टी को या दूसरे पर्सन को जो है यहाँ पर अपना फोन देते हैं, सिर्फ कॉल करने के लिए देते हैं, तो उस केस में वहाँ पर वो सिर्फ कॉल ही कर पाएगा। यहाँ पर आपके फोन में क्या है, आपके फोन में जो है क्या कुछ आपने रखा है, वो जो है यहाँ पर चेक नहीं कर पाएगा। मतलब सिर्फ कॉल करने के लिए लिया है तो वो कॉल करके आपको फोन दे देगा, बस ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक प्राइवेसी आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो आपके फोन में कुछ भी चेक नहीं कर सकता है। और अगर यहाँ पर जो है इसको डिसेबल करने की बात करें तो यहाँ पर ऐसे डिसेबल होगा नहीं, यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करने से। डिसेबल करने के लिए यहाँ पर जो है बैक बटन, रिसेंट बटन और बैक बटन को दोनों को जो है एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए दोनों को जो है एक साथ प्रेस करेंगे, बैक बटन और रिसेंट बटन, तो दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये अनलॉक हो जाएगा। और जो है यहाँ पर आपका फोन में जो लॉक लगा है वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब फोन आपका लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी जो है आपका इसके डायलर के अलावा जो है जिस काम के लिए आपने फोन को दिया है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपको एडिशनल फीचर जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब ये जो है हर ऐप में वर्क करेगा। यहाँ पर आप जो है जितना भी आपके फोन में ऐप है सारे ही ऐप में जो है यहाँ पर ये वाला वर्क कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ले लूँ दूसरा ऐप, तो यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्ले स्टोर को जो है अगर हम चाहें लॉक करना, तो यहाँ पर इसको भी जो है होम, यहाँ पर जो है आइकन वाले पे जो है प्ले स्टोर का आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिखेगा। पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पिन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ भी और ओपन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर प्ले स्टोर ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको ऐप पिन का जो है फीचर इस तरह से वर्क करता है और इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पर्पज़ में। किसी को व्हाट्सअप दिया है तो व्हाट्सअप इस रूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर आपने जो है सिर्फ कॉल करने के लिए दिया तो वहाँ पर कॉल वाले ऐप में जो है पिन करके दे दीजिए, वहाँ पर सिर्फ कॉल ही वाला जो है ऐप वहाँ पर यूज कर पाएगा वो। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइवेसी थोड़ा सा आप जो है मेंटेन्स कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है फिर से इसको बैक करने के लिए बैक बटन और यहाँ पर जो है रिसेंट बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है अपना पासवर्ड वगैरह देके यहाँ पर जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से अलग अलग जो है पर्पज़ से कर सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये कुछ है यहाँ पर ऐप जो है पिनिंग से रिलेटेड। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जो है इंटरेस्टिंग सा फीचर लेके। तो जय हिंद।